आपको अपडेट कर रहे हैं लकी मरवत से। वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा 99 न्यूज़ शरीफुल्ला। शरीफुल्ला, हमें अपडेट कर दीजिए। जी, आज DPO लकी आसिफ गोहर की निगरानी में कब्रिस्तान की ज़मीन वागजार करवा ली गई और मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई भी। आज लकी मरवत में बुखारी शाह कब्रिस्तान में पुलिस और जिला इंतजामिया ने जो ऑपरेशन की है, क्या आप इससे मुतमईन हैं और इंदा भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस कब्रिस्तान के हवाले से सोशल मीडिया के ज़रिए हमें इल्म हुआ कि यहाँ पे कुछ लोग जो है वो तजावजात कर रहे हैं। तो जो ही वो सोशल मीडिया के हवाले से हमें ख़बर मिली तो इस हवाले से मुख्तलफ़ इलाके के मशरान से हमने रब्ता किया, लेकिन कोई भी शख्स जो है इस हवाले से खुल के सामने आ नहीं रहा था। तो उस फिर हमने उस हमारी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उनकी रिपोर्टों के मुताबिक हमने इस पर तहकीकात शुरू की। बाकायदा इस पर हमने पटवारी अलका पटवारी को ला के उससे रिपोर्ट ली। रिपोर्ट लेने के बाद फौरी तौर पे हमने इनके खिलाफ एक संगीन किस्म का एक मुकदमा रजिस्टर किया है और इसके साथ साथ फौरी तौर पे मैंने कल एडिशनल DC साहब को और फिर शाम के वक्त DC साहब के नोटिस में लगाया। तो इन्होंने मुझे कहा कि वाकई इस हवाले से मेरा सुबह का प्रोग्राम है, तो सुबह आप भी अपनी टीम को भेजें और हम सारे मिल के इनकी जो तजावजात है उसका खात्मा भी करेंगे और जिन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है उनके खिलाफ AC की मदीयत में भी हम एक अलहदा मुकदमा भी रजिस्टर करेंगे। अभी यहाँ पहुँच के ये मालूमात हुई कि इसमें कुछ लोगों पे उन लोगों ने फरोख्त भी की हुई है ज़मीन, तो मैंने SHO को ये हदायत की है कि उन लोगों को भी बुला लें जिनको धोखा करके उनके कब्रिस्तान की जगह उन पर फरोख्त की है, उन उसका अलहदा मुकदमा रजिस्टर करेंगे। इंशाल्लाह किसी जगह पे कोई कब्रिस्तान भी हो, जो भी निशानदेही होगी कि यहाँ पे किसी ने तजावज़ किया है, तो इंशाल्लाह भरपूर इसी तरीके से कार्रवाई करेंगे जिस तरह आपने अभी हम सामने देख लिया है कि ये तकरीबन 18-20 करनाल के रकबा जो है जिन्होंने कब्जा छोड़ा था, इसकी तमाम चीज़ें जो है हमने वो कर ली। TMA की मदद से DC साहब ने जिस तरीके से हदायत की थी उसके मुताबिक इंशाल्लाह कभी भी किसी को भी ये मौका नहीं देंगे कि भाई वो किसी कब्रिस्तान पर या किसी सरकारी जगह पर कब्जा करें। तो सामने बुखारी शाह का मज़ार नज़र आ रहा है, इसके आसपास जितने भी मकान हैं ये सब कब्रिस्तान के एरिया में आते हैं, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? बाकायदा ये बेचा गया है इन जगहों को, और जिन लोगों ने मकानात तामीर किए उनका क्या होगा सर? इस हवाले से तो ये महकमा माल की इमदाद से हम इसकी पहले तो क्लियर करेंगे कि भाई किस हैसियत से इन लोगों ने यहाँ पे ये कब्ज़ा किया है, किस हैसियत से मकान बनाया है। अभी जो मौजूदा यहाँ पे जो निशानदेही हो चुकी थी उस मकान को आपके सामने वो मकान गिरा दिए गए हैं। अगर बाकी भी महकमा माल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर उन्होंने इस तरीके से गैर कानूनी कोई। जी, आज DPO लकी आसिफ गोहर की निगरानी में कब्रिस्तान की ज़मीन वागजार करवा ली गई और मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। शरीफुल्ला, 99 न्यूज़, लकी मरवत। बहुत शुक्रिया शरीफुल्ला हमें अपडेट करने का।